हेलो गाइस, मेरा नाम है शैली और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी श्योर कि मेरे को इतने दिन बाद देख के आपको भी उतनी खुशी हुई होगी। और मैं आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने घर में रहे, सेफ रहे, अभी मार्केट में ना आए। जब तक आपको कोई इम्पॉर्टेंट काम ना हो, अपने घर से बाहर ना निकलिए। और अगर आपको कुछ माल परचेज करना है, जैसे कि हम वीडियो में दिखाते हैं आपको, उससे कुछ लेना है, तो इन शॉपकीपर्स के पास ऑनलाइन फैसिलिटीज भी बहुत सारी अवेलेबल होती है। कोशिश ये कीजिएगा कि जो हम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके माल ऑनलाइन ही ऑर्डर करें और घर बैठे तक माल अपने पास मंगवा लें, ताकि आपको शॉप पे आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये आपके लिए भी सेफ रहेगा और शॉप वालों के लिए भी बहुत सेफ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आपकी सुरक्षा की बात। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि आज मैं आपको इस वीडियो में क्या दिखाने वाली हूँ। भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आज आपको वीडियो में बताने और दिखाने वाली हूँ, वो अभी से पहले किसी और ने नहीं दिखाया होगा आपको। यह बहुत ही यूनिक और बहुत ही नई जानकारी है, जिसका फायदा जितने भी शॉपकीपर हैं, जितने भी स्टोर वाले हैं, बहुत ही अच्छे से उठा सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही सस्ता सा सौदा लेके आई हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, वीडियो में आपके लिए कुछ नया है, तो बात करते हैं एटीएम मशीन की। मैंने आपको कहा था अभी से पहले आपको इसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी होगी, तो आज मैं आपको एटीएम मशीन के बारे में जानकारी देने के लिए आई हूँ। तो अब आप ये सोचिए कि देखिए, जैसे कि आपकी स्टोर है, आपकी एक शॉप है, आजकल मोस्टली शॉप और स्टोर वालों के पास खुद की एक छोटी सी एटीएम मशीन होती है, जिसका फायदा भी है और नुकसान भी है। तो इसी वीडियो में मैं आपको एक एटीएम मशीन दिखाने वाली हूँ। बहुत ही रीजनेबल रेंज में होगी वो एटीएम मशीन, और आपके पास जो अभी है उसके नुकसान क्या है, और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसके फायदे क्या है, मैं आपको दोनों ही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं जिनके पास अभी तक एटीएम मशीन है। तो भाई आप सभी को पता है, जब आपका काम बड़ा होगा, चाहे काम बड़ा हो या छोटा हो, एटीएम मशीन की जरूरत सबको होती है। तो आपके पास जो अभी तक एटीएम मशीन है, वो आपकी किसी कंपनी से ली होगी या कहीं से भी परचेज की होगी, तो आप उसका मंथली जो रेंट होता है वो पे करते हैं। हर कंपनी के अलग अलग रेंट होते हैं, किसी का 300 रुपये मंथ होता है, किसी का 500 होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है। तो ये तो है आपके पास जो एटीएम मशीन है उसके नुकसान मैं आपको बता रही हूँ। आपको हर महीने पे करना पड़ता है, पर जो मैं आपके लिए मशीन लेके आई हूँ, आपको उसमें मंथली का कोई रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इस मशीन का प्लस पॉइंट एक। अब मैं आपको और बातें बताती हूँ इसके बारे में। तो इसका मैं आपको दूसरा प्लस पॉइंट बताती हूँ, और जो आपके पास है उसका नेगेटिव पॉइंट बताती हूँ, कि जब आप किसी बैंक से या किसी कंपनी से एटीएम मशीन परचेज करते हैं, तो जब भी आप उस मशीन का यूज करते हैं, जीएसटी कटता है। जी हाँ, जब भी आप उस एटीएम मशीन का यूज करते हैं तो जीएसटी कटता है, और ये जीएसटी कस्टमर का नहीं कटता, ये जीएसटी आपका कटता है, कि आप जो सामने वाला कस्टमर है, जितनी उसकी लिमिट होगी, अगर आप 2000 रुपये भी वहाँ से अमाउंट करते हैं तो भी आपकी जीएसटी कटती है वहाँ पर। पर जो मैं आपको आज एटीएम मशीन दिखाने वाली हूँ, आपको उसमें कोई जीएसटी नहीं कटने वाली है, उल्टा आपको इसका फायदा होने वाला है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में। पर मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जो एटीएम मशीन हमारे पास है उसमें आपकी जीएसटी नहीं कटेगी, वो आपकी एटीएम मशीन की वैलिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी वैलिडिटी 40,000 भी है, उतना काम करेगी, और कोई जीएसटी आपको अलग से उस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, कमीशन मिलता है आपको इस चीज में। आपको हमारी एटीएम मशीन लेने का फायदा मैं आपको एक और बताती हूँ, कि जो भी आप एटीएम मशीन यूज कर रहे हैं, जिस भी ब्रांच की है, जिस भी कंपनी की है, कि जिस भी बैंक की है, वो आपको ट्रांजेक्शन करने पे कोई कमीशन नहीं देता है। चाहे आप 1 लाख की ट्रांजेक्शन करें, चाहे 5 लाख की ट्रांजेक्शन करें, चाहे 2000 की करें, कोई कमीशन आपको यहाँ से प्रोवाइड नहीं होने वाला है। बट जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आपको एक कमीशन दिया जाता है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो मिनिमम 9 रुपये का आपको कमीशन यहाँ दिया जाएगा, और जब आप इससे बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 9 रुपये से ज़्यादा का भी आपको इस एटीएम मशीन में कमीशन मिलता है। तो अब आप खुद सोच लीजिए फायदा किस तरह से है यहाँ पर। आपको कोई जीएसटी पे नहीं करनी पड़ती है, उल्टा जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये एटीएम मशीन ही कमीशन के तौर पर एक छोटा सा अमाउंट प्रोवाइड करती है, जो कि आप अभी तक एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं दी गई है। ये तो मैंने आप नुकसान और फ़ायदा दोनों ही बताए,
कि जो आपके पास एटीएम मशीन है उससे आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है और जो मैं एटीएम मशीन आपके लिए लेके आई हूँ उससे आपको क्या फायदा मिलेगा। जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, आपके पास जो एटीएम मशीन है उसका आपको मंथली रेंट पे करना पड़ता है, जीएसटी कटता है, ऊपर से वो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं देती है। और जैसा कि मैंने इस एटीएम मशीन के बारे में बताया, कोई मंथली रेंट पे नहीं करना है आपको, कोई जीएसटी आपका नहीं कटने वाला है, और जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका प्रॉफिट आपको जाएगा। आप डायरेक्टली वो प्रॉफिट बिना जीएसटी के अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं। यह आपके एक वॉलेट पर्स की तरह हो जाता है कि आपके पास डायरेक्टली पैसा आ रहा है, और अगर आपको किसी और को ये ट्रांसफर करना है तो आप अपने ही पास से किसी जीएसटी कटे बिना वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं भी। अब मैं आपको बता दूं एटीएम मशीन के बारे में, बहुत ही चीप प्राइस में ये आपको मिलने वाली है, मात्र 5,000 रुपये में आपको ये एटीएम मशीन मिलने वाली है यहाँ से इस वक्त। तो आप खुद ही सोच सकते हैं 5,000 में मिलेगी, और आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते जाएंगे आप एक ही महीने में ये 5,000 भी वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसका फायदा सिर्फ आपको मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको, कोई जीएसटी आपकी नहीं कटेगी अलग से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ट्रांजेक्शन भी आप ही कर रहे हैं और फायदा भी आप ले रहे हैं, तो इस एटीएम मशीन का बहुत सारा फायदा आपको इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिलने वाला है, आज नहीं तो कल आप सभी को इस मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। एक और बेनिफिट इसका है कि अगर कोई इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, जी हाँ, जैसे किसी की शॉप नहीं है और उसे काम चाहिए, तो ये काम भी एक ऐसा है डिस्ट्रीब्यूटर का, आप घर बैठे भी महीने के महीने 15,000 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से है। अगर कोई इसकी मेंबरशिप करना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटर की, तो उसे आईडी जो है डिस्ट्रीब्यूटर की वो फ्री में मिलने वाली है यहाँ से। और जैसे कि आप सभी को पता है हम हर जगह नहीं जा सकते, तो जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मार्केट्स होती है हर जगह की, अलग अलग जगहों की, वो वहां पर जाए, अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताए, उसको जब सेल करते हैं वो, तो उसका फायदा डिस्ट्रीब्यूटर को होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ इस वक्त। कि जैसे कि आप कोई एक मशीन बेच देते हैं यानी कि सेल कर देते हैं, तो वो जितनी भी ट्रांजेक्शन करेगा एक ट्रांजेक्शन पे उसे 2 रुपए मिलेंगे, यानी कि सिर्फ एक मशीन एटीएम मशीन देने पे वो जितनी बार ट्रांजेक्शन करेगा हर ट्रांजेक्शन का उसे 2 रुपए मिलेगा, यानी कि फ्री बराबर का जितने में बेचा उतने में वापस भी आ गया, उसे डबल आ गया वापस, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आप सोचिए कि एक महीने में अगर वो 50 मशीनें ऐसी बेच देते हैं, मतलब सेल आउट कर देते हैं 50 मशीन को, तो एक दिन में 10 भी अगर हमने ट्रांजेक्शन की तो 20 रुपए बनते हैं उसके। पर जरूरी नहीं है ना कि एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन हो, जब बड़ी बड़ी शॉप होती है तो एक दिन में 15-15, 20-20 भी ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि एक दिन का 500 रुपए मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, पर इससे ज्यादा एक दिन का आपको फायदा होगा सिर्फ उनके ट्रांजेक्शन करने से। तो यानी कि मंथली की सैलरी अगर मैं मिनिमम कहूँ तो 15,000 से 20,000 रुपए आप अपने घर बैठे कमा सकते हैं। सिर्फ एक महीने आपको मेहनत करनी है, और अगर ये काम आप और भी जल्दी कर देते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि 15 से 20 दिन की मेहनत है। आप 50 मशीन्स को सेल आउट करते हैं तो आपकी महीने की मंथली सैलरी घर बैठे आप अपने पास तक ले सकते हैं। दोस्तों मैंने आज आपको इस एटीएम मशीन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, और ये भी बताया कि जो आपके पास है उसके नुकसान क्या है, और जो यहाँ से लेते हैं उसके फायदे क्या है, और जो जुड़ के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उसका फायदा क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यू एटीएम मशीन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो बहुत मुश्किल होगा इसे यूज़ करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे डाउट मैं आपके इसी वीडियो में क्लियर करके जाऊंगी। तो अभी आप देखेंगे मैं आपको डायरेक्टली ये मशीन का क्लिप दिखाने वाली हूँ इसमें, कि किस तरह से वो इजी यूज़ हो जाती है, किस तरह से आप उसे इजी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक वो भी देखते हैं कि जब आप यहाँ से परचेस करते हैं तो किस तरह से आप खुद ही से उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आई एम श्योर कि आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो न्यू मशीन है एटीएम की टेक्नोलॉजी वाली, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यूज़ करने में। जैसे कि आपने देखा इजी यूज़ है, वैसे ही आप भी इसे इजी यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो मैं नया आइडिया आप लोगों के लिए लेके आई थी वो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अलग और कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।